बाईद पर इस बार कोई फिल्म रिलीज कर दे, सलमान खान ने अजय देवगन को कही बड़ी बात। सलमान खान ने अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म रनवे 34 का टीजर रिलीज कर दिया है। अजय के साथ इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत सिंह, बोमन ईरानी और कैरी मिनाटी है। ये फिल्म ईद के मौके पर अप्रैल महीने में रिलीज की जाएगी। चूँकि सलमान की कोई फिल्म इस बार ईद के मौके पर रिलीज नहीं हो पा रही है, इसीलिए दबंग खान ने अजय को सपोर्ट करने का फैसला करते हुए एक साथ ईद मनाने का फैसला किया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का साथ अजय देवगन को मिल गया है। इसकी घोषणा खुद दबंग खान ने अजय की अपकमिंग फिल्म रनवे 34 का टीजर रिलीज कर की है। इस साल ईद के मौके पर अजय अपनी फिल्म का तोहफा दर्शकों को दे रहे हैं। फिल्म के रिलीज टीजर में अजय देवगन हवाई जहाज के अंदर मुश्किल भरे हालात में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ को पायलट रकुल प्रीत सिंह भी नजर आ रही है। कई तरह की आवाज़ें आ रही है और अजय कहते हैं हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। टीजर में आगे अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी ही तेज़ी से नीचे आती है। सलमान ने फिल्म का टीजर रिलीज कर लिखा, मेरी कोई फिल्म तैयार नहीं है, तो मैंने अपने भाई अजय देवगन से रिक्वेस्ट की है कि वह ईद पर ईद देने के लिए आ सकता है। चलो इस ईद पर हम सब सेलिब्रेट करेंगे और देखेंगे रनवे 34। 29 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ हो रही है। सलमान खान ने अपने फैंस को इस फिल्म को ईद पर देखने की अपील की है, तो वही अजय देवगन ने भी रनवे 34 का टीजर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा, जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर छिपा हुआ सत्य। रनवे 34 के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद अजय देवगन हैं। अजय देवगन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि सत्य घटना पर आधारित ये थ्रिलर फिल्म है, ये मेरे लिए कई मायने में बेहद खास है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।